हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश के परावर्तन से जो आंकिक प्रश्न होता है उसके बारे में। आंकिक प्रश्न हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम बिना लेट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमें प्रतिबिंब निकालना है। हम देख लेते हैं, क्या दिया है? क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक क्या होती है? ऋणात्मक क्या होती है? ऋणात्मक, इसीलिए क्या होगा? -20 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यानी U। U के क्या वस्तु ये है? फोकस, फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं। और दूसरा है वस्तु दूरी, इसको किसे डिनोट करते हैं? U से। ये कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अवतल दर्पण वस्तु किधर होता है? दर्पण के बाईं ओर होता है। तो दर्पण के बाईं ओर कौन सा दूरी होता है? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। तो क्या होगा ये? ये भी होगा ऋणात्मक। और हमसे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब दूरी, यानी भी हमको ज्ञात करना है, भी के बारे में पूछ रहा है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो दर्पण सूत्र। कौन सा? दर्पण सूत्र से, एक बटे में भी प्लस एक बटे में यू बराबर एक बटे में यफ हो गया। अब हम मान रखते हैं, हमको भी का मान निकालना है, और प्लस इसको हम उस साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? उस साइड ले जाते हैं, एक बटे में यब माइनस एक बटे में यू। अब हम मान रख देते हैं, एक बटे में भी बराबर एक बटे में यब। यब का मान कितना दिया है? -20। माइनस है तो ये यहां पर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस एक बटे में यू, कितना है? -30 है। तो -30 है, एक बटे में -30, माइनस ऊपर आएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? यह प्लस एक बटे में भी बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 20-30 का एलसीएम 60। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, 3 प्लस ये 60 है, प्लस और ये 2 बार, क्या हुआ? एक बटे में भी बराबर -3 प्लस 2, -1 बटे में 60, यानी भी बराबर -60 सेंटीमीटर। हमारा क्या हो गया यह आंसर? अब ये हमारा माइनस आया है, तो दूरी तो माइनस में होता नहीं है, ये बस हमारा इसका परिणाम दिखाता है कि ये किस दिशा में है। तो जब इसमें निगेटिव लग गया तो ये दर्पण के किधर होगा? बाई साइड होगा। बस ये परिमाण दिखाता है कि परिणाम दिखाता है कि किधर इसका प्रतिबिंब बनेगा। माइनस लग गया तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? दर्पण के बाएं। तो चलिए, ये हुआ हमारा पहला आंसर क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। हम इसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले बनाने के लिए कि कौन सा दर्पण है, अवतल। तो अवतल दर्पण के लिए 30 सेंटीमीटर की वस्तु उतनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो इसका दूरी जो होगा वो ऋणात्मक होगा धनात्मक? कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। तो क्या है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो हम लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में? दिया है वस्तु दूरी यानी यू, बराबर कितना? -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि यह दर्पण के बाईं ओर वस्तु को रखा जाता है, और दर्पण के बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक दूरी होता है, इसीलिए क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। अब आगे दिया है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो प्रतिबिंब है यानी भी कितना दूरी पर है? 40 सेंटीमीटर पर है। अब हम यहां पर चिन्ह देखेंगे, साइन की कौन सा होगा साइन? तो
देखते हैं क्या है। दर्पण के पीछे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी दर्पण के किस ओर? बाई ओर। बाई ओर क्या होता है हमारा? पॉजिटिव। क्या होता है दूरी? पॉजिटिव। तो हमको इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव धनात्मक ही लेंगे, यानी इतना ही रहने देंगे। अब हो गया। अब पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। दर्पण की फोकस दूरी यानी अब क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको सोल्व करते हैं। किसे दर्पण सूत्र से, किसे दर्पण सूत्र से? तो दर्पण सूत्र होता क्या है? एक बटे में भी प्लस एक बटे में यू बराबर एक बटे में य। हम इसमें मान रखते हैं इसका। चलिए ये मिटा देते हैं। इसका पहलू रखते हैं भी, एक बटे में भी, भी का मान कितना है? 40। क्या होगा? 40 प्लस, तो प्लस एक बटे में यू, एक बटे में यू, यू का मान कितना है? माइनस 30। ये माइनस है कहां जाएगा? ऊपर। प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस बराबर एक बटे में यह। हमको यह का मान निकालना है। अब हम सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 120। कितना होगा? 120। ये 3 टाइम है माइनस 4 टाइम बराबर 1/y। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस 1/120 बराबर एक बटे में य। इसको जब ये तिखा तिखी गुणा कहा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो करेंगे तो क्या आएगा हमारा? य बराबर माइनस 120 सेंटीमीटर। य बराबर क्या आएगा? माइनस 120 सेंटीमीटर। माइनस जो है ये क्या दिखा रहा है? हमारा परिणाम। और जो 20 सेंटीमीटर है ये क्या है? परिमाण। तो हमारा जो इसका फोकस दूरी होगा इस दर्पण का, अवतल दर्पण का, कहां होगा? तो 120 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर होगा। और माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है? कि इसका जो फोकस होगा वह दर्पण के बाईं ओर होगा। किस ओर? बाईं ओर इसका फोकस होगा। ये हो गया हमारा क्या आंसर। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वह सीधा होगा या उल्टा? ये सब आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया इसको बनाना है। तो हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है? पहले तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब इसमें दिया है कि फोकस दूरी स्मॉल एफ से कितना है? 15 सेंटीमीटर। किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होता है, ऋणात्मक? क्या होता है? ऋणात्मक, क्योंकि वह बाई तरफ होता है दर्पण के, इसीलिए हो गया ऋणात्मक माइनस। अब आगे दिया है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु यानी वस्तु U कहां रखी गई है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो जो वस्तु रखी जाती है अवतल दर्पण में तो वो किधर रखी जाती है? दर्पण की बाएं ओर की दाएं ओर? दर्पण की बाई ओर। तो बाई ओर धनात्मक होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक क्या होगा? निगेटिव। ये हो गया। अब आगे दिए 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। वस्तु यानी एच कितना है? 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये धनात्मक हो गया ऋणात्मक? जब वस्तु रखी जाती है, ये वस्तु रखी गई है तो कहां रखी गई है? ध्रुव से ऊपर। ऊपर तो ध्रुव से ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है या निगेटिव? क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। अब पूछा गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी भी पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क भी बराबर एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब आगे पूछा गया है इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा पूछा है ना। और वह उल्टा हो गया सीधा, ये हम बताएंगे जो कि हमारा चिन्ह आएगा उसके हिसाब से। हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे। वो कैसे? तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। दर्पण सूत्र होता क्या है? एक बटे में भी प्लस एक बटे में यू बराबर एक बटे में य। हम मान रखते हैं तो एक बटे में भी, ये इधर प्लस भी इधर आएगा तो माइनस में, एक बटे में यू
एक बटे में भी बराबर एक बटे में यफ, यफ का मान क्या है माइनस 15, ये क्या हो गया माइनस 15, माइनस यू का मान कितना है माइनस 25, एक बटे में माइनस 25, देखिए माइनस से ऊपर जाएगा यहां पर जाएगा और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब हम इसको बनाते हैं, ये हो गया, अब हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, जब इसका एलसीएम निकलेगा तो क्या होगा, ये 15 ये 25, इसका एलसीएम हो जाएगा 75, क्या होगा 75। अब हम डिवाइड करेंगे, ये हो गया माइनस 5 प्लस 3 75 है मीटर के। अब हम उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए बटे में बी बराबर माइनस 2 बटे में 75, यानी ये कट जाएगा भी बराबर माइनस 37.5 सेंटीमीटर। देखिए भी बराबर आए माइनस 37.5 सेंटीमीटर, यानी ये माइनस जो है यह क्या दिखा रहा है परिणाम, और ये क्या है परिमाण, परिणाम मतलब कि ये दिशा दिखा रहा है कि प्रतिबिंब किधर बनेगा, माइनस में है और 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब कहां बना है यहां पर बना है, और माइनस है इसमें तो माइनस क्यों लगा है कि ये दर्पण से बाईं ओर है और प्रतिबिंब यहां पर बना है, देखिए यही वाला सवाल है, और बाईं ओर बना है इधर की दूरी क्या होती है माइनस, क्या होगी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, बस ये दिखा रहा है कि माइनस ये दिखा रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है दर्पण से बाईं ओर बना है और कितना दूर बना है तो 37.5 सेंटीमीटर पर, 37.5 सेंटीमीटर पर इसका प्रतिबिंब बना है। अब हमको निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र जानते होंगे, तो हम जानते हैं कि आवर्धन यम बराबर एच डैश बटे में एच बराबर भी बाई यू, ये भी क्या होगा माइनस में होगा, हम उल्टा ही लिख देते हैं इस साइड से, मतलब यम बराबर माइनस भी बाई यू बराबर एच डैश बटा में एच, तो हमको आवर्धन का काम ही नहीं, इसमें आवर्धन दिया ही नहीं है और ये इससे हमको निकल जाएगा हमारे आंसर, तो हम इसको क्या करते हैं हटा देते हैं। अब हम मान रखते हैं माइनस भी, माइनस भी का मान माइनस 37.5, यू का मान कितना है माइनस 25, क्या हो जाएगा माइनस 25 बराबर एच डैश, एच डैश तो हमको निकालना है तो ये रहेगा एच डैश का एच डैश, और हमको यच यच दिया है कितना 4 सेंटीमीटर प्लस में 4। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए सोल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस है तो ये क्या रह जाएगा माइनस ही रह जाएगा, माइनस 37.5 बटे में 25 बराबर एच डैश बटे में 4 हो गया। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 25 एच डैश, 25 एच डैश बराबर गुणा कीजिए, पंचों के बीच की जीरो हाथ में लगा 2.7 सचौ 28 28 दो 30 हासिल 3 4 3 12 12 3 15। अब पॉइंट वाइज जीरो है, इसको हटा दीजिए कोई मतलब उसका नहीं। अब हम इसको कटाते हैं, एच डैश बराबर क्या आया 6 सेंटीमीटर, माइनस है ये वाला जो कि माइनस रहेगा, माइनस 6 सेंटीमीटर, क्या आया माइनस 6 सेंटीमीटर, तो जो माइनस है ये क्या दिखाता है हमारा परिणाम दिशा कि वो किधर है, और 6 मीटर सेंटीमीटर है ये हमारा परिमाण, ये माइनस क्यों दिखा रहा है हमारा ये प्रतिबिंब बना है कितना है तो 6 सेंटीमीटर ऊंचा है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा हमारा प्रतिबिंब है, लेकिन जो माइनस है वो ये दिखा रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब है ये ध्रुव हो गया, ध्रुव के किधर है ध्रुव के नीचे की तरफ बना है, उल्टा बना है। अब हम ये तो बता दें कि प्रतिबिंब का कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा माइनस 37 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 37 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा प्रतिबिंब का आकार, और वह सीधा होगा या उल्टा, देखिए प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा, क्या है उल्टा, हम चिन्ह से दिखा सकते हैं माइनस है, माइनस का मतलब उल्टा है, प्रतिबिंब यहां पर क्या है उल्टा है, तो क्या होगा उल्टा, तो आपने इसका आंसर देखा। अब आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल।